गुड इवनिंग आप सभी को। आई होप आप लोग सब कोई बहुत अच्छे होंगे, हम लोग सब भी ठीक हैं। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है इवनिंग से, आशा करूंगी आप सबको अच्छा लगेगा। और एंड में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मलाई केक की रेसिपी, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, तो आप लोग देखना ना भूलें, मिस मत करिएगा, ज़रूर स्टेप बाई स्टेप देखें। और सबसे पहले तो यहाँ पर इवनिंग का टाइम हो रहा है और आज का ब्लॉग इवनिंग से ही स्टार्ट की हूँ, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे दोपहर में थोड़े बहुत कपड़े जो धुले थे उसे मैंने रख दिया है, कुछ देर के बाद मैं इसे फोल्ड करूँगी। यहाँ पे सुबह से लेकर दोपहर तक ना टॉवल वगैरह ऐसे ही बिखरे हुए रहते हैं, तो सबको फोल्ड कर दिया है। अभी बारी आती है घर में शाम का झाड़ू लगाने का, तो मैं यहाँ पर देखिए सारे कपड़े को ना चेयर में इस तरह से रखी हुई हूँ, और एक दो कपड़ा इधर उधर था उसे भी फोल्ड करी अपने अपने जगह पर सेट करूँगी। बच्चे का घर है तो थोड़ा बहुत इधर उधर सामान रहता ही है बिखरा हुआ, तो सारे घरों में अभी मैं सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी। और आप लोग के यहाँ किसके किसके घर में शाम के टाइम में झाड़ू लगते हैं आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। हमारे यहाँ पे हर दिन का है शाम में एक बार घर जरूर क्लीन होता है, झाड़ू से पोछा नहीं बट झाड़ू से एक बार ज़रूर क्लीन करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये जो टेबल है साइड टेबल सेंटर टेबल जो भी बोलो आप, तो इस टेबल का हालत कुछ इस तरह का था, तो मैंने इसे अभी थोड़ा समेट उमेट के रख दिया है ताकि थोड़ा क्लीन लगे, और इसका कवर भी काफ़ी गंदा हो गया है तो किसी दिन धो दूंगी इसे, आज तो फिलहाल नहीं उठाई हूँ। और आरव को थोड़ी देर के लिए पढ़ने के लिए बिठाई थी तो वो भी पढ़ के उठ चुका है, और उसका बुक्स वगैरह ऐसे ही रखा हुआ था तो उसे भी मैंने अरेंज कर दिया है अपनी जगह पर। और इस रूम में भी मैंने झाड़ू लगा लिया है। बाय द वे आरब का एडमिशन हो चुका है और वो 3-4 क्लास कर चुका है, क्योंकि हमने उसे किंडरगार्टन में ही रखा था तो वो यहाँ पे करीब 2 से 2.5 साल पढ़ा, और अभी बड़ा स्कूल में गया है तो एकदम बड़ा बड़ा फील हो रहा है, लग रहा है कितना बड़ा हो गया है। तो अभी यहाँ पे जो पढ़ेगा अभी कम से कम तो 10 साल तक उसके लिए फिक्स है ये स्कूल। तो चलिए मैं यहाँ पे शाम में फ्रेश हो चुकी हूँ क्योंकि अभी जाने का प्लान है थोड़ा नीचे वॉक करने के लिए, और यहाँ पे शाम का जो थोड़ा बहुत होता है वो सब मैंने किया। और आप लोग देख सकते हैं सनसेट हो चुका है बाहर का नज़ारा, और थोड़ा थोड़ा इस टाइम पे लाइट रहता है, अभी विंटर चला गया है तो विंटर के टाइम में 5 बजे तक ना एकदम सनसेट हो जाता था, अभी करीब 6:30 बजे तक होता है, तो अभी 6:15 बजे का टाइम हो रहा है, यहाँ पे फ्रेश हो गई हूँ। तो चलिए एक बार नज़ारा देखते हैं, और मेरा गार्डन में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगी, मिर्चा का पौधा में कितना सुंदर मिर्चा आया है और ये सारे पक रहे हैं, अब यहाँ पे 3 पक चुका है और इस साइड में एक और है जो पक गया है, तो बहुत सारा फल आया हुआ है मिर्चा का, ये देखिए हर जगह पर है, और करीब मुझे लग रहा है 25-26 इस तरह से फल आया है, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, अभी तक टेस्ट भी नहीं किया इसका तीखा कैसा है। और यहाँ पे बच्चे सब खेल रहे हैं नीचे, तो सारे बच्चे नीचे हैं, और दिया बत्ती थोड़ी देर बाद करूंगी, तो सोची कि हस्बैंड के लिए थोड़ा चाय बना दूं और मैं भी थोड़ा पीऊंगी, क्योंकि सुबह के टाइम में हम लोग दोनों ने ही चाय वगैरह नहीं लिया था, ऐसा हैबिट नहीं है बट कभी कभी लेते हैं ना, तो अब अच्छा लगता है, फ्रेशनेस मतलब फील होता है। तो यहाँ पे दूध निकाल लूँगी सबसे पहले, और मलाई काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया है तो उसका भी मुझे घी बनाना है। अभी जहाँ से हम लोग दूध वगैरह लेते हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छा थिक गाढ़ा मलाई जम रहा है, तो ना अच्छा भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है उठाने में, और आप लोग देख सकते हैं एकदम दूध पूरा प्रॉपर सेट हो गया है इसका मलाई। तो इसी तरह से मैं करती हूँ, जैसे ही दूध बॉईल होता है ना करीब 5-10 मिनट तक बॉईल करने के बाद उसे बंद कर देती हूँ, और उसे हिलाना नहीं होता है, हिलाइएगा तो फिर मलाई अच्छे से नहीं जम पाता है, तो नहीं हिलाई थी तो देखिए कितने अच्छे से मलाई सेट हो गया था और इतना सारा मलाई जम के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, चाय के लिए दूध रख दी हूँ, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और आज ना एक मस्त मसाले वाली चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले मैंने दिया है चीनी और चाय की पत्ती, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी इलायची और लौंग, उसके बाद थोड़ा सा अदरक अगर आप लोग पास है तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं। ये सब देखिए हम अच्छे से इसे कूट लेंगे, तो लौंग भी मैं निकाल लूँगी, और ये मसाला जब रेडी करके चाय में डालिएगा ना, चाय का जो स्मेल है ना खुशबू एकदम इतना बढ़िया सा आता है ना, आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। तो देखिए अदरक थोड़ा सा लिया है, लौंग है और 2 इलायची है, इसे कूट लिया है, और इसमें डाल दी हूँ तेज पत्ता और थोड़ा सा जो कूट के डाला था वो मसाला, अच्छे से बॉईल करेंगे करीब 5-6 मिनट तक, उसके बाद छान लेंगे।
इसे मैंने दूध दे दिया था, तो टीवी देख रहा है, बोला मम्मा थोड़ी देर के लिए टीवी दे दो देखने के लिए, तो मैं बीच में खड़ी हूँ इसलिए वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो बार बार बोल रहा है मम्मा हट जाइए देखने दीजिए टीवी। तो उसे मैंने बिस्किट और दूध दे दिया है, वो खाने के बाद मैं उसे थोड़ी देर के लिए नीचे लेके जाऊँगी। फाइनली इवनिंग का जो भी काम था, जो भी रूटीन था मेरा, वो सब डन हो गया है और गर्मी बहुत ही गजब की है, तो लग रहा ना एसी ऑन करके बस एसी के पास ही बैठे रहे, एकदम एसी के पास से हिलने मन नहीं कर रहा है। तो क्या कर सकते हैं, फ़िलहाल तो रेडी हूँ और अभी लेके जाऊँगी उसे नीचे, और मार्केट में हमारा भी कुछ काम है तो वो सारी चीज़ें भी करनी है। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं मार्केट में, मैंने एक ब्लैंकेट दिया था वॉश के लिए तो वो यहाँ पे मिल चुका है और कितने अच्छे से पैकेजिंग होके आया है आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चार्ट पेपर लेना था, आरब का एक्टिविटी का काम था पेपर का, तो यहाँ पे डार्क ग्रीन नहीं मिल रहा था, तो फाइनली खोजने के बाद मुझे मिल गया था, तो एक पेपर मैंने वो लिया और एक वाइट चार्ट पेपर लिया। ये ब्लैंकेट जो आप लोग देख रहे हैं ये बाइक में लाने में इतना मतलब मुश्किल लग रहा था ना, रखने में जगह ही नहीं बन रहा था। अच्छा रात में ना डिनर में एकदम सिंपल मैंने आज किया था, पराठा बनाई थी, दोपहर में पनीर बना था तो पराठा और पनीर हो गया, तो कुछ और मैंने आप लोग के लिए शेयर नहीं किया था। और सारा मछली को देखिए इस तरह से ले आई हूँ बाल्टी के अंदर और यहाँ पे सारा पानी ड्रेन हो रहा है, तो ऑलमोस्ट हो गया है, बस थोड़ा सा है और बहुत गंदा हो गया है पानी, एक्सेस गंदा हुआ है। वीक में एक बार क्लीन कर देती हूँ ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम चमक आ जाता है इसमें, तो आज मैं सोची कि इसका क्लीनिंग कर ही दूँ। तो सारे पानी को सबसे पहले ड्रेन किया, इसमें जितने सारे स्टोन थे सबको हटा दिया, आप लोग देख सकते हैं एकदम खाली हो गया है, और नल में एक साइड में पानी भर रहा है, तो इसे मैं फुल होने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक जो स्टोन को मैंने निकाल के रखा था उसका हालत मैं आप लोग को दिखाऊँ एक बार, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह का कलर में हो गया था। सारा पानी मैंने इसका हटाया और थोड़ा सा सर्फ देखे ना इसका स्टोन को साफ़ किया था कि थोड़ा ये क्लीन लगे। इसमें करीब मुझे एक डेढ़ घंटा लग गया था, तो रोज़ रोज़ का काम ये है नहीं कि हर दो दिन में आप क्लीन कर पाओ, तो कोशिश करती हूँ कि वीक में एक बार इसे क्लीन करूँ। इतना दिन तक तो माँ वालों थे तो वही लोग कर दे रहे थे, अभी तो हम लोग के ऊपर आ गया है तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सब काम ना मुझे बहुत झमेला लगता है। एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है, पूरा चमक रहा है और हालत एकदम ख़राब, सब एक एक चीज़ निकाल के साफ करना पड़ा, तो यहाँ पे ये लोग बहुत खुश है, अभी देखिएगा कैसे, ये देखिए कैसे भाग रहा है, तो पानी चेंज करने से ना ये लोग भी बहुत एक्टिव हो जाते हैं। और यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं मलाई केक की रेसिपी, उसके लिए मैंने एक फुल क्रीम दूध का पैकेट लिया है, आधा लीटर है, इसे गर्म होने के लिए रखते हैं, तब तक हम अपना बैटर रेडी करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले लूँगी एक छोटा कप में दही, और ये नॉर्मल दही है, ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेम कप में मैंने आधा कप लिया है ऑयल, कुकिंग ऑयल है ये, तो बिना फ्लेवर वाला ही लें आप लोग, फ्लेवर वाला ना लें, आप लोग चाहें तो रिफाइंड भी ले सकते हैं। उसके बाद वैनिला एसेंस डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पे डेढ़ कप हम डालेंगे मैदा, और छन्नी में मैं डाल रही हूँ ताकि जो थोड़े थोड़े गुठली जैसे हो जाते हैं ना वो ना बने, अच्छे से ये मिक्स हो जाए। यहाँ पे लिया है हाफ कटोरा चीनी पाउडर, तो चीनी को नॉर्मल मिक्सी में डाल के ना ग्राइंड कर लिया था, इसे अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे एक चम्मच बेकिंग पाउडर और एकदम चुटकी भर बेकिंग सोडा लिया है, इसे छान लेंगे अच्छे से, और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के ना इसका एक अच्छा सा बैटर बना के हम रेडी कर लेंगे। तो ये केक आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा, ये केक ना बहुत ही अच्छा बनता है। मैंने जब रेसिपी बनाना स्टार्ट किया था ना अपना कुकिंग चैनल में, तब मैंने इस रेसिपी को शेयर किया था और ये काफ़ी अच्छी बनती है, तो सभी को ना घर में बहुत पसंद आया था, और मुझे लग रहा है ये मैं थर्ड टाइम यहाँ पर बना रही हूँ। जो हमारा केक टिन है ना, हल्का सा तेल डाल के मैंने ग्रीस कर लिया था, अभी हम डाल देंगे इस बैटर को इसके अंदर,
और आप लोग देख सकते हैं इसका थिकनेस कुछ इस तरह का रहना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छे से डाल दिया है और जहाँ पे दूध हमने चढ़ा के रखा था वो दूध भी एकदम बढ़िया से गाढ़ी हो चुकी है हमारी। तो इसमें चीनी डालेंगे करीब 3 चम्मच और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अगर आप पहले ही गाढ़ा कर दीजिएगा ना तो ये जमेगा उस टाइम पर और गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर कढ़ाई में डाला है पानी, उसके बाद एक नींबू का टुकड़ा, इससे कढ़ाई हमारी एकदम नीट एंड क्लीन रहेगी, काली नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर हम डाल देंगे अपना केक टिन को और ध्यान रखिए हमें बेक नहीं करना है, हमें स्टीम करना है। मैं कोशिश करूंगी हर ब्लॉग में एक एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने की। तो अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और यहाँ पे जब तक केक हमारा बेक होता है स्टीम होता है सॉरी, तब तक मैं यहाँ पे कुछ कपड़े थे उसे मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ छत पे, क्योंकि नीचे एकदम जगह नहीं था कपड़ा डालने का, तो सब डाल रही हूँ छत पे। आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं केक हमारा एकदम बढ़िया से पक चुका है। इसे चेक करने के लिए ना ये जो हमारा चम्मच आता है ना कांटे वाली, उस चम्मच को इस तरह से डाल के देखिएगा ना, ये एकदम नीट एंड क्लीन निकलेगा। आप लोग चाहें तो टूथपिक से भी इस तरह से होल्ड कर सकते हैं ताकि जो हम अपना रबड़ी का मिक्सर है ना उसके अंदर डालें तो ये पूरा प्रॉपर नीचे तक जाए। तो आप लोग देख सकते हैं अभी एकदम बढ़िया से हमने सेट कर दिया है और रबड़ी को हम डाल देंगे। तो खाना अभी इसे नहीं है, इसे हम डालेंगे फ्रिज में सेट होने के लिए, उसके बाद इसे सर्व करेंगे। थोड़ा सा गार्निश कर दी हूँ किशमिश से, बस 2 से 3 घंटे तक फ्रिज में छोड़ेंगे, उसके बाद रेडी हो जाएगा हमारा मलाई वाला केक। तो ट्राई करना ना भूले आप लोग, और वीडियो को एंड करूँगी यहीं पे। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।